हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौशीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी कुछ नए तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमने करेले को वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें ऐसे स्लाइसेस में कट करेंगे, और यदि किसी उसमें बीज हो तो आप उसे ज़रूर इसमें से निकाल लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, हमने सारी करेलों को ऐसे पीसेस में स्लाइसेस में कट करके रख लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे इसे करेलों को तलने के लिए। हमें इसे डीप फ्राई करना है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें करेले डालकर इसे डीप फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े करके हम इसे दो पैसेस में देखिए, हमने एक बार की निकाल ली है। अब हम दूसरी बार की इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए, सारे करेले हमने तल लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसी कढ़ाई में इसे करेंगे, इसमें से पहले तेल निकालेंगे। और ये देखिए, हमने तेल खाली कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा तेल रखा है। इसमें हमने प्याज स्लाइसेस में कट करके रखे हैं, जिससे हम इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज लाइट पिंक हो चुके हैं। हमें इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो करेले रखे फ्राई किए हुए डाल के मिक्स करेंगे। देखिए, सब्जी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, इसे आप पराठे, पूड़ी और रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।